आद्य शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने तीसरे पाठ का पहला गद्यांश का हमने अर्थ सहित अध्ययन किया था। अब हम आगे अध्ययन करेंगे। एकदा यानी एक बार श्रीकंठ यानी श्रीकंठ तेन स यानी उसके साथ प्रातः यानी सवेरे नौ वादने यानी नौ बजे, वादनम का मतलब होता बजे, आगे नौ लगा दिया तो नौ, सप्त लगा दे तो सात, षड़ लगा दे तो छः, पंच लगा दे तो पाँच हो जाते हैं। तो नौ बजे एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः नौ बजे तस्य यानी उसके गृह यानी घर आगच्छत यानी घर आया। एक बार प्रातः नौ बजे श्रीकंठ उसके घर आया तत्र यानी वहां कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति तस्य यानी उसके माता पिताश्च और उनके माता पिता स्वशक्तया यानी अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपने अपने सानिध्य अपने खुद के अनुसार श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन यानी उनका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यानी यह देखकर, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें तत् शब्द और एतत् शब्द का प्रयोग किया गया। एतत् का मतलब होता है यह, तत् का मतलब होता है वह, यानी यह दृष्ट्वा यानी देखकर इसमें कत्वा पढ़ते हैं। श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा मित्र अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके सत्कारेण यानी सत्कार से संतुष्ट अस्मि यानी संतुष्ट हूँ, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम यानी केवल, इदमेव यानी यही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, यत यानी कि, तव गृह एकोपि भृत्य नास्ति यानी मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, आपने जो मेरा आतिथ्य क्या है, जो मेरे लिए सेवा की है आपने, उसके लिए मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे दिल में मेरे मन में एक दुख है कि भवता मैंने आपके गृह यानी घर में एको अभी यानी एक भी भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर सेवक, भृत्य नास्ति यानी एक भी नौकर नहीं है। मम यानी मेरा सत्काराय यानी मेरे सत्कार से भवताम यानी आपको बहु यानी बहुत ही कष्टम जाते यानी बहुत दुख हुआ है, बहुत कष्ट की अनुभूति हुई है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। फिर उसने कहा कि मम गृह यानी मेरे घर में तू यानी तो बहु यानी बहुत से कर्म करा यानी सेवक। अब देखिए भृत्य कर्म करा ये सारे जो हैं सेवक के पर्यायवाची हैं, है ना, जो काम करते हैं, कर्म करा यानी काम करने वाले, है ना, भृत्य यानी सेवक नौकर सभी एक ही शब्द के अर्थ हैं। यानी मम गृह तू यानी मेरे घर में तो बहु कर्म करा यानी बहुत सारे नौकर संति यानी है, अस्ति यानी है, स्त यानी दो जन के लिए दो जन, और संति यानी बहुवचन यानी हैं के ऊपर अनुस्वार। तदा यानी तब कृष्ण मूर्ति अवदत, कृष्ण मूर्ति बोला मित्र ममापि मम धन अपि यानी मेरे भी अष्टौ कर्म करा संति यानी मेरे भी आठ नौकर हैं। ते यानी वे, च यानी और, अब वे कौन कौन से देखो बताएगा वो, द्वौ पादौ यानी मेरे दो पैर, द्वौ हस्तौ यानी मेरे दो हाथ, द्वौ नेत्रौ यानी मेरे दो आंखें, और द्वे श्रोत्र यानी मेरे दो कान। अब वो कह रहा है, कृष्ण मूर्ति कहता है कि मेरे जो हैं आठ नौकर हैं। अब वो आठ नौकर कौन कौन से हैं, दो पांव, दो हाथ, दो आंखें और दो कान, ये आठ जो हैं शरीर के अंग जो हैं उसने अपने अपने आपके सेवक माने हैं। अब देखो आगे क्या होता है, एते प्रतिक्षणम यानी ये सब प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण मम सहायका यानी मेरी सहायता करते हैं, ये जो मेरे खुद के जो कर्म करा यानी नौकर हैं ये मेरे प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्य यानी तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव यानी सदा धन एव सदैव यानी वो हमेशा ही सर्वत्र च और सब जगह उपस्थितो भवितुम न शक्नुवन्ति यानी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा सर्वत्र से सभी जगह तुम्हारे साथ में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
त्वम तू, त्वम तुम तो स्वकार्य यानी अपने काम वृत्त्याधीन वृत्त्यधन अधीन यानी दीर्घ संधि में यानी तुम्हारे काम जो है वो सारे जो है वो नौकर के अधीन है। यदा यदा यानी जब जब, तदा तदा यानी तब तब, ये सारे अव्यय हैं। अव्यय का मतलब आता है अविकारी शब्द, हिंदी में कहते हैं अविकारी, संस्कृत में कहते हैं अव्यय, यानी जिसमें लिंग विभक्ति कारक चिन्हों का प्रभाव ना पड़ता हो उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी जब जब ये यदा यदा यानी जब जब, ते यानी अनवे अनुपस्थिता यानी अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा यानी तब तब त्वम कष्टम अनुभव भवंती भवसी यानी तुम जो है कष्ट की अनुभूति करते होंगे, क्योंकि जब नौकर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सारे काम नौकरों के अधीन रह जाते हैं, तो हम जो है जब भी कोई आवश्यकता होती है, जब नौकर छुट्टी पे होता है या नौकर हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें एकदम कष्ट की अनुभूति होती है। तो वो बात जो है कृष्णमूर्ति जो है वो अपने मित्र को बताता है आगे। हाँ, स्वावलंबने यानी जो स्वावलंबी होते हैं, जो अपना काम स्वयं करते हैं, वह स्वावलंबी तो यानी स्वावलंबी तो सर्वदा यानी हमेशा सुख में वो यानी सुख से ही, न कदापि यानी न कभी कष्टम भवति यानी उनको न कभी कष्ट की अनुभूति होती है, वो हमेशा सुख की अनुभूति करते हैं। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि यानी तुम्हारे वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, इसमें भी कत्वा पढ़ते हैं, यानी तुम्हारे वचनों को सुनकर मम यानी मेरे मनस यानी मन में महति यानी बहुत ही प्रसन्नता जाता है, बहुत ही खुशी हुई है। अधुना यानी अब, अहम अपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि यानी अपने कामों को, स्वयमेव यानी स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि यानी करना चाहता हूँ, भवतु यानी भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि। अब आओ, 12 बज गए हैं, 12:30, सार्ध द्वादश वादनम यानी द्वादश वादनम का मतलब होता है 12 बजे, जब आगे सार्ध लगा है, सार्ध का मतलब होता है साढ़े, यानी 12:30 बज गए हैं, अब 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम गृहं चलामि, अब हमें घर चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। ये जो है आपका पाठ पूरा हो गया है, अब जो है मैं आपको इसमें से कुछ शब्दार्थ दूंगा। शब्दार्थ देने के बाद में, पहले मैंने आपको गृह कार्य में तत्शब्द दिए थे, आज आपको मैं तत्शब्द पुल्लिंग दिया था, अब आज आपको मैं तत्शब्द स्त्रीलिंग के रूप दूंगा। तो स्त्रीलिंग के रूप आपको घर कार्य में करने हैं और शब्दार्थ जो है वो आपको कक्षा कार्य में करने हैं। धन्यवाद।